अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अनीसा वलीउल्लाह है। मैं कंबाइन सोशल नेटवर्क का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि हैदराबाद और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं। और आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि दो दिन से ये जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 12,000 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं, कई हैदराबाद में, सिंध में, पूरे में जो सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पे लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किल भी पेश आ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल भी है। और एक बात और कि अगर आप लोगों से पैसे निकलवाने की सूरत में 1,000 या 500 रुपये कोई पुलिस ऑफिसर या इंतज़ामिया का कोई वहाँ का जो बंदा है वो आपसे ले रहा है कि आप पैसे दें तो फिर हम आपको जो है वो पैसे निकलवा के देंगे, तो बराए मेहरबानी किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस सूरत हाल में आप टाइगर फोर्स के बंदों से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी नुमाइंदे से आप रब्ता कर सकते हैं। सो बराए मेहरबानी किसी को भी अपने 12,000 रुपए में से पैसे कटवा के देने की ज़रूरत नहीं है। 1,500 अगर आपसे मांगे जाएं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये 12,000 रुपए आप खुद वसूल करेंगे, ये आपका हक है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे, कोई भी ऐसी मुश्किल पेश आ रही है आप हमसे रब्ता करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे से आप रब्ता कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी एक बार फिर मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही गुजारिश करूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए कोरोना की इस वबा को हराना है, डरना नहीं है, लड़ना है कोरोना की इस जंग से। हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस वबा से निकल आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।